हे गाइस वेलकम बैक टू एमडीडी एजेडिस। तो कैसे आप लोग, तो आज हम करने वाले कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे करें, तो आ चुके हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बैकग्राउंड को इंपोर्ट पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले करेंगे इमेज को रिसाइज। इमेज को रिसाइज करने के बाद अब हम जाएंगे ऐड फोटो पे और उसके बाद हम कर देंगे मॉडल की पीएनजी को ऐड। बैकग्राउंड को कैसे इम्प्रूव करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आई बटन में भी है। अब हम करेंगे इस मॉडल को कुछ इस तरह से सेट और उसके बाद हम कर देंगे इसे डन। मॉडल को सेट करने के बाद अब हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे और उसके बाद हम एक पीएनजी ऐड कर देंगे। पीएनजी को ऐड करने के बाद अब हम इसे कुछ इस तरह से सेट कर देंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर देंगे स्क्रीन पर। पीएनजी को सेट करने के बाद अब हम इसे सिर्फ टी शर्ट के ऊपर ही रखेंगे इस पीएनजी को। उसके बाद हम जाएंगे इरेजर टूल में और रिमेनिंग पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से। पीएनजी का टी शर्ट के अराउंड सेट करने के बाद अब हम करेंगे इसे डन और उसके बाद हम ऐड करेंगे एक और पीएनजी। पीएनजी को ऐड करने के बाद अब मैं उसे मॉडल के अराउंड कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ और इसके बाद मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन पर। पीएनजी को ईयर के पास लगाने के बाद अब हम जाएंगे इरेजर वाले टूल में और अननेसेसरी एरिया है जो कोई भी उसे हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम करेंगे इसे डन और इसके बाद हम ऐड करेंगे एक बर्स की पीएनजी। पीएनजी को ऐड करने के बाद अब हम इसे ईयर के पास कुछ इस तरह से लगा लेंगे और एक और हम डुप्लीकेट बना लेंगे इस पीएनजी का और इसे कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैं कुछ इस तरह से सेट कर रहा हूँ। अब हमारा काम हो चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर। अब हम जाएंगे ड्रॉ टूल में और कर देंगे इस इमेज को सेव और चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन पर। तो आ चुके हैं हम लाइटरूम एप्लीकेशन पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे लाइट्स वाले ऑप्शन पर और इसके कॉन्ट्रास्ट को हम हल्का सा डिक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम इसके हाइलाइट्स को हम इंक्रीज कर देंगे, शेडोज को भी हम इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद हम इसके वाइट्स को भी इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से और ब्लैक्स को डिक्रीज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लाइट्स आ चुकी हैं हमारी इमेज पर। अब हम जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन पर और इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद अब हम जाएंगे वाइब्रेंस वाले ऑप्शन पर और वाइब्रेंस को हम डिक्रीज कर देंगे -10 के आसपास और सैचुरेशन को हम रख लेंगे 10 के आसपास। और अब हम टिंट को भी हल्का सा डिक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद अब हम जाएंगे मिक्स वाले टूल में। मिक्स वाले टूल में आने के बाद अब हम इसके रेड के सैचुरेशन और लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे। और उसके बाद हम जाएंगे ऑरेंज वाले टूल में और इसके सैचुरेशन को डिक्रीज कर देंगे और लुमिनेंस को इंक्रीज। और उसके बाद हम जाएंगे येलो टूल में और इसके भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से। ताकि आपकी आसानी हो मैंने आपके लिए एक प्रीसेट भी बना कर रखा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
और कलर को ग्रेड करने के बाद अब हम जाएंगे एफएक्स वाले टूल में, और उसके बाद हम इसके टेक्सचर को हम इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम इसके डेज को भी इंक्रीज कर देंगे और विगनेट को लगा लेंगे प्रॉपरली फेदर करके कुछ इस तरह से। विगनेट को लगाने के बाद अब हम जाएंगे डिटेल्स वाले ऑप्शन पे और इसके शार्पनेस को हम इंक्रीज कर देंगे और नॉइस को भी हम इंक्रीज कर देंगे ताकि जितनी भी नॉइस हो हमारे उसमें वो डिक्रीज हो जाए, और उसके बाद हम कलर नॉइस को भी इंक्रीज कर देंगे, और उसके बाद हम इसके स्मूथनेस को हम थोड़ा सा कम कर देंगे कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है हमारे इमेज पर। अब हम जाएंगे शेयर वाले टूल में और उसके बाद हम कर देंगे इस इमेज को सेव। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।